नमस्कार, मैं हूँ सौरभ बौरासी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज काफ़ी दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिसकी वजह व्यस्तता है। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि आपको मैं लेट वीडियो अपलोड कर पा रहा हूँ, पर ये जो व्यस्तता है वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। तकरीबन 20 से 25 फरवरी के आसपास ये व्यस्तपना जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद मैं आपको कंटिन्यूसली वीडियो डालूँगा आपके लिए। और सिर्फ बायोफ्लॉक का ही नहीं, दूसरी फिशेस का भी वीडियो मुझे डालना है। बहुत सारे पेंडिंग है फिशेस, मैंने काफ़ी जगह बात करके रखा हुआ है। बस मुझे ट्रैवल करना होगा, दूसरे स्टेट जाना होगा वहाँ पर, और फिर आपके लिए वीडियो और मेरे खुद के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा, देखूंगा, सीखूंगा कुछ नई फिशेस के बारे में, कुछ हाई वैल्यू फिशेस के बारे में, जिसका मैंने बहुत पहले से जिक्र किया है कि अब हाई वैल्यू फिश पे जाएंगे, क्योंकि लो वैल्यू फिश का जो है वो इनिशियली स्टेज पे सही है लो वैल्यू फिश पे काम करना, बट जब आदमी आगे बढ़ता है तो हाई वैल्यू फिश ही उसको फिर दिखती है, क्योंकि लो वैल्यू फिश जो है उसमें फिर आपका मार्जिन जो है वो ज़्यादा नहीं आ पाता है, क्योंकि आपका कैपिटल बहुत ज़्यादा लगता है और फैलारो फैल जाता है कुल मिला के बहुत सारा, लेकिन पैसा उस हिसाब से मिल नहीं पाता है। तो हाई वैल्यू फिश की तरफ मैं खुद जा रहा हूँ, और जितना हो सकेगा मैं आपको भी बताऊँगा कि किस तरीके से कौन सी हाई वैल्यू फिश को करना उचित रहेगा। हालांकि बहुत सारी हाई वैल्यू फिश हैं, अच्छी हैं, लेकिन ये समय ज़्यादा लेती हैं तैयार होने में, और ज़्यादा बड़ी भी नहीं होती हैं। फिर थोड़ा इनका जो बढ़ने की ड्यूरेशन है वो ज़्यादा होता है। पेशेंस रखना पड़ता है इनमें। हमको पैसा जो है वो मिलता ज़रूर है, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना होगा और बहुत अच्छे से पूरी जानकारी के साथ इसमें हाथ डालना पड़ता है, क्योंकि इसका जो बच्चा होता है वो भी सीड भी महंगा ही आता है, और ये जो फिश होती है अगर एक फिश भी मोर्टेलिटी होती है तो हमें काफ़ी दुख होता है, क्योंकि ये इसकी मार्केट वैल्यू 300 रुपये, 250 रुपये, 400 रुपये, 600 रुपये तक होती है, अगर हम जिंदा मछली को पहुँचाते हैं। हाई वैल्यू फिशेज में तो 500 रुपये, 600 रुपये तक मिलता है मार्केट प्राइस। तो ये मेरा प्रयत्न रहेगा, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको भी उसके बारे में बता पाऊँ, और मैं खुद भी सीखूँ, मैं खुद भी कल्चर चालू करूँ। लो वैल्यू फिश तो आज तक करते ही आ रहे थे, और वीडियो ना डाल पाने के कुछ पर्सनल कारण भी हैं, कुछ पर्सनल काम भी हैं, कुछ व्यापार के भी हैं। तो ये तो हो गया बिजी होने का कारण। बाकी आप थोड़ा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, बने रहिए। आपके लिए आने वाली जो वीडियोस हैं वो बहुत अच्छी होने वाली हैं। थोड़ा वीडियो का तरीका भी मैं चेंज करूँगा, और केवल बायोफ्लॉक, अब तो खैर बायोफ्लॉक तो खैर सारी दुनिया अब सिखाने लग गई है बायोफ्लॉक के बारे में, तो अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बायोफ्लॉक में सभी को बताने की। जितना भी हमने किए हैं बायोफ्लॉक का वो अच्छे से है, काम कर रहा है। आगे मैं आप देखेंगे इस वीडियो में ही कुछ मैंने वीडियो मंगवाई है। अभी मैं भोपाल में भी नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ भोपाल के, इस वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना पाता हूँ। तो मैंने वीडियो बुलवाई हुई है, उसमें फीडिंग बहुत अच्छे से कार्प मछली खा रही है टैंक में, और यहाँ पर जहाँ पर मैं हूँ यहाँ पर हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने एक लो कॉस्ट का एक घर में ही टैंक बनाया हुआ है, मैश टैंक, वायर मैश टैंक। तो उसका भी मैं वीडियो अभी प्लस कर दूंगा उसमें, तो आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा और अच्छी जानकारी मिलेगी आपको। एक आइडिया आ जाएगा कि यार हम घर पे भी इतना छोटा सा, उन्होंने एक्चुअली में इंडोर बनाया है अपना जो हॉल है उनका, हॉल के अंदर ही बना लिया है उनने, और मैंने जब देखा तो मैंने बोला कि ये तो मुझसे भी बढ़िया है। मैंने एक बहुत 5,000 रुपये में 10,000 लीटर का बनाया था टैंक,
उससे भी बढ़िया टैंक बना हुआ है वो, और वो ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। तो आप भी देखिएगा और आप अपने हिसाब से उसमें क्या आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, क्या आप तरीके से उसमें अपनी जो लोकल में मिलने वाली चीज़ें हैं वो लगा के आप अपना छोटा सा टैंक बना सकते हैं टेस्टिंग के लिए, प्रैक्टिकल के लिए। आप खुद नया प्रयोग कर सकते हैं बनाकर। तो आगे देखिए और बने रहिए इसी तरीके से, थोड़ा पेशेंस रखिए, आने वाले वीडियो बहुत अच्छे अच्छे हैं। बस अभी कुछ समय, हर किसी की लाइफ के कुछ बिजी होते हैं, तो वो अभी जरा हमारे भी लाइफ का बिजी पार्ट चल रहा है, बाकी आने वाला समय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी जानकारियां हैं। तो आगे देखिए फिश के बारे में, ये टैंक की अपडेट है पहले, इसके बाद मेश टैंक, जो वायर मेश टैंक इंडोर है वो है उसका वीडियो। ये देखिए, ये जो फिश मैंने सबसे पहले ये छोड़ा था पंगास के साथ, ये वो फिश है जो फीडिंग खा रही है, ये कॉर्प है, और ये बहुत बढ़िया तरीके से है। जब से ही पंगास भले ही कम टेम्परेचर पे नहीं सर्वाइव कर पाई थी, पर ये जो फिश है इसने बहुत अच्छे से सर्वाइव किया है, और फीडिंग भी बहुत अच्छे से लेती है। और भी फिशेस हैं, ये देखिए सारी फिशेस जो हैं बहुत अच्छे से हेल्दी हैं और फीडिंग ले रही हैं। इसमें तिलापिया भी हैं, रेड तिलापिया भी हैं, स्पॉटेड तिलापिया हैं, तिलापिया की 4 वैरायटी डली हुई है। कुछ का वीडियो डला हुआ है, कुछ बिना वीडियो के भी डली हुई है फिश, इतना उतनी ही फिश नहीं है जितने की वीडियो में दिखी है, और भी फिशेस हैं। और अभी जो है हमने और फिश बड़ी बुलाए हैं, 4 इंच तक की रूपचंदा, ये देखिए ये फिश काफ़ी, मतलब इन्हें बहुत अच्छा लगता है ऊपर आना नीचे जाना। कमर्शियल फीड ही ये अभी तो दे रहे हैं इन्हें, क्योंकि फ्लॉक बनने के लिए भी फीड ज़रूरी है। फीड अगर नहीं देंगे तो ये पूरा फ्लॉक खा जाएगी, जैसा कि एक दिन हुआ था। अब जो है वो टैंक की अपडेट है, ये जो टैंक है जिसके मैंने ज़िक्र किया था कि ये केबल जो है ये लगभग मुझे लगता है शायद 1 mm, 1 mm का ये जो मैश है, 1 mm तार का बना हुआ है वायर, जिसमें पानी भी 2.5 फिट पानी भरा हुआ है। अंदर जो है वो अंधेरा था, तो मैंने कोशिश तो की है टॉर्च ले ला के दिखाने की। इसमें कोई भी सपोर्ट नहीं है बड़ा सरिया का, केबल 4 फिट की मार्केट में आती है, ये मुर्गा जाली के नाम से भी आती है, ये पोल्ट्री फार्म्स के बाउंड्री में लगती है, और इसको चारों तरफ से उन्होंने गोल खड़ा करके उसका जो सिरा है, दोनों सिरे को उन्होंने तार से बांध दिया है, केवल इतना किया है। इसमें उन्होंने वेल्ड वाला कोई काम नहीं किया है, बस ये है कि उन्होंने फर्श पे इसे रखा है, वो फर्श के चारों तरफ एक ईटा लगाकर उन्होंने बाउंड्री बना दी थी सपोर्ट के लिए। ये देखिए पानी भरा हुआ है, ऐसा नहीं दिख रहा था इसलिए मैंने हिलाया उसको। इन्होंने तारपुलिन भी जो है वो तकरीबन 150 GSM की तार, 150 से 200 GSM है, 200 GSM की तारपुलिन लगाई हुई है। ये हाइट दिखाने के लिए कि कितने फिट गहरा है अब पानी डला हुआ है, ये मैंने चेक किया था तो तकरीबन 2.5 फिट भरा हुआ था, और आधा फिट बहुत अच्छे से बिना कोई टेंशन के आ सकता था उसमें। अभी मैंने दिखाया है इसमें आगे कि चारों तरफ बिना कोई सपोर्ट के ये लगा हुआ है, बस नीचे जो फर्श है, जो बॉटम पे एक ईंट से सपोर्ट लगाया गया है, उन्होंने चिपका दिए हैं। ये इंडोर है, इंडोर मैश टैंक बना हुआ है, ये नीचे नीचे फ्लोर के पास आपको दिख भी रहा होगा, ये 3 फिट का है, और ये
जो अभी मैंने इसके पहले दिखाया वो 4 फिट का था। ये देखिए घर में ही उन्होंने टैंक बना लिया है जो कि 6.5 से 7 हज़ार लीटर का पानी कैपेसिटी का है। ये देखिए ये जॉइंट है, ये तार से बंधा हुआ है केवल, इसमें कोई भी ज़्यादा खर्चीला काम नहीं किया गया है। ये तार से जॉइंट करके इन्होंने, और बढ़िया बखूबी थे, मैंने जब लाइव देखा तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये मजबूत था। और उससे अच्छी बात है कि ये जो छोटे छोटे 1-1.5 इंच के जो गैप हैं, ये देखिए ईंटा की बस बाउंड्री चारों तरफ बनाई है सपोर्ट के लिए। ये जो गैप है ना छोटे छोटे से, इसमें हमें क्या सपोर्ट मिल रहा है कि तारपोलिन जो है वो फटने का डर नहीं, प्रेशर